गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को वेलकम बैक अगेन आरजी गेर पॉइंट ऑनलाइन एंड लाइव नर्सिंग क्लासेस कैसे हैं आप सभी स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन सेशन जिससे बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट एम सी की बारे में तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सारे बच्चे और रेस्पॉन्स कर दीजिए वीडियो और वॉइस सभी के पास में क्लियर है या नहीं है फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सभी चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा इससे पहले आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन नॉर्थ सेट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर या नॉर्थ सेट सिक्स के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है जस्ट विद इन सेवन डबल नाइन मैक्सिमम बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है जिन बच्चों ने नहीं किया अभी भी कर सकते हैं ठीक है ठीके? और रिसेंट अभी दो दिन पहले आपके सामने एक न्यूज़ आई है तीन दिन पहले कि डी का वैकेंसी आने वाला है तो उसके लिए भी आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जिसमें आप मैथ रीजनिंग जी हिंदी इंग्लिश के पोर्शन को थोड़ा अच्छे वेटेज दीजिएगा क्योंकि लगभग फिफ्टी परसेंट क्राइटेरिया आपका वहीं से निकल के आने वाला है ठीक है थर्टीन ओ फेबरी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा और थर्टीन मार्च तक आपका क्लोजिंग डेट होगा ठीक है एग्जाम कब होगा उसके लिए अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन है नहीं तो जो बच्चे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर नॉर्थ सेट की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पैरेलल में साथ साथ आप नॉन नर्सिंग पार्ट को भी आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं नर्सिंग वाला आपका वही पार्ट रहेगा जो आप नॉर्थ सेट के लिए कर रहे हैं ठीक है और डीएसएसबी के अंदर बट जैसे नॉर्थसेट की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर आपको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और अगर बात करते हैं सर अप्लाइड क्वेश्चन तो वो भी आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नॉर्थसेट में बट डीएसएसबी के अंदर ऐसा पैटर्न नहीं रहने वाला है ठीक है जी तो नॉर्थसेट के हिसाब से आप जो तैयारी कर रहे हैं वो डीएसबी के लिए ठीक है ठीक है प्री प्रीतक आप तैयारी करेंगे बट डीएसबी के लिए आपको एनक्लेस उठाने की जरूरत नहीं क्योंकि दो तीन दिन से काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर डीएसपी के लिए क्या प्रिपेयर करें कैसे अपन स्टडी करें तो आपको जो आप प्री की तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए सफिशियंट होगी बट फिफ्टी परसेंट पार्ट को थोड़ा ध्यान में रखते हुए करें, ठीक है चलिए आईएस एक मिनट वो सही नहीं आ रही आपके पास मुझे रेस्पॉन्स कर दीजिए अगर वॉइस में कुछ भी इश्यू है तो थोड़ा सा हो सकता है कि लाइट वॉइस रहे बट क्लियर आनी चाहिए ठीक है आईओएस में अवेलेबल है बेटा ठीक है एक बार ऑफिस नंबर पे आप जरूर कॉल या मैसेज कीजिएगा आपको एक लिंक देंगे वहां से आप कर सकते हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन देखिएगा ये कुछ टेस्ट का शेड्यूल है ठीक है जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे एक बार शेड्यूल जरूर देख लीजिएगा क्योंकि जो भी टेस्ट आप देने जाएंगे उससे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है ठीक है तो पहला टेस्ट आपका न्यूरो का हो गया कल आपका सेकंड टेस्ट जो रहेगा वो फंडामेंटल का रहेगा नेक्स्ट वो रहेगा उसके बाद में देखिएगा तीनों टेस्ट का एक साथ होता है ठीक है ये क्राइटेरिया हमारा सेगमेंट जो है फिक्स है वन टू थ्री देन उसके बाद में तीनों एक साथ यानी तीन सब्जेक्ट एक साथ आपकी कंडक्ट करवाई जाएंगी चलिए फर्स्ट वन क्वेश्चन देखिए और राइट आंसर पुट कीजिएगा Patient से एक एल्कोहल हिस्ट्री को कलेक्ट कर रही है एंड द क्लाइंट स्टेट और क्लाइंट का रेस्पॉन्स क्या है वो सुनिएगा आई डिडन्ट हर्ट एनी बन मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता परेशान नहीं करना चाहता आई जस्ट लाइक टू हैव ए गुड टाइम मैं अपना आनंदिदा समय जो है व्यतीत करना चाहता हूं यानी मैं अपना जीवन खुशी से निकालना चाहता हूं मैं किसी को दुखी नहीं करना चाह रहा ठीक है इसलिए मैं क्या करता हूं सर ड्रिंक करता हूं नेक्स्ट एंड ड्रिंकिंग हेल्प मी टू रिलैक्स और ड्रिंक अगर जो मैं करता हूं तो वो मुझे क्या करती है मेरी बॉडी को रिलैक्स करती है मेरे माइंड को रिलैक्स करती है ये उसका स्टेटमेंट है पेशेंट का क्लाइंट इज यूजिंग विच डिफेंस मैकेट है वो कौन से डिफेंस मैके यूज कर रहा है फर्स्ट वन ऑप्शन इंटेलेक्चुअलाइजेशन एंड लास्ट रेशनलाइजेशन विच वन इज द राइट आंसर विच वन इज द राइट आंसर देखिए यहां पर हम क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर पेशेंट क्या कह रहे हैं सर पेशेंट देखिए उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है क्लियरली उसने पेशेंट मैंशन किया है एंड द ड्रिंकिंग हेल्प मी टू रिलैक्स ऐसा नहीं कि मैं ड्रिंक नहीं करता या फिर अगर बात करते हैं कि नहीं मेरी फैमिली मुझे परेशान करती है या मैं किसी चीज से परेशान हूं ठीक है यहाँ पर पेशेंट क्या कर रहे? सर पर पेशेंट अपनी जो भी मिस्टेक है या फिर उसका अनवॉन्टेड बिहेवियर है अनवॉन्टेड एक्टिविटीज है उनको क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है यानी पेशेंट एक्सेप्ट कर रहा है किसी भी रियलिटी को देखिए दो चीज होती है यहाँ पर मैं आपको भी बताऊंगा ठीक है पेशेंट क्या कर रहा है बेटा एक तो होता है सर प्रोजेक्शन एक होता है रेशनलाइजेशन तो प्रोजेक्शन के अंदर कभी भी पेशेंट क्या करेगा खुद की मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करता है देन उसके बाद में कोई एक्सक्यूज दे रहा होता है यहां पर देखिएगा देखेगाइेशन में क्या करेगा पेशेंट अपनी मिस्टेक्स को क्या करेगा सर एक्सेप्ट करेगा जो भी उसने मिस्टेक की है या फिर अनवांटेड बिहेवियर हो अनवांटेड एक्टिविटीज हो उनको एक्सेप्ट करेगा नेक्स्ट एक्सेप्ट करने के बाद में क्या करेगा उनके रिगार्डिंग कोई भी रेशनल देगा ठीक है एक्सक्यूज उनके लिए तैयार करने वाला है बिल्कुल मेकिंग एक्सक्यूज

Same as it is, वैसा ही पेशेंट के अगर आपने हिस्ट्री जो भी अपनी बता रहा है उसके साथ साथ में अपना एक एक्सक्यूज क्या है? बता रहा है। जैसे example की बात कर रहा हूं, आप अगर किसी चोर को पकड़ लेती है तो अगर चोर के पास और अमीरों के घर से चोरी करके गरीबों के अंदर बांट देता हूं ये उसका हो गया दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनलाइजेशन इज इट क्लियर नेक्स्ट करते होगा ऑर्डिनरी रिजेक्शन क्या होगा ऑर्डिनरी रिजेक्शन ऑर्डिनरी रिजेक्शन यानी किसी भी बात के लिए क्या करेगा डायरेक्टली मना कर देगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको क्या नहीं करेगा बेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा नेक्स्ट वन देखिएगा प्रोजेक्शन की बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन भी क्या करेगा बेटा इसको एक्सेप्ट नहीं करता है नेवर एक्सेप्ट ध्यान रखिएगा नेवर एक्सेप्ट खुद के लिए कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी अगर मिस्टेक हुई तो और उसको क्या करेगा एंड ब्लेम सिंग एंड क्या कर देगा बेटा ब्लेम ब्लेम कर देगा बात समझ में आ गई एंड द क्लियर हुआ अगर गलती उसने भी की है तो उस ब्लेम को क्या करेगा खुद के लिए एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा कि ठीक है अगर मान लो कोई आदमी ऑफिस आने में लेट हो गया तो ऐसा नहीं हाँ ठीक है मेरी गलती थी मैं लेट उठा लेट नहाया और इसलिए मैं लेट ऑफिस आया क्या करेगा एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज को ठीक है और किसी और के ऊपर अपने ब्लेम को क्या करेगा शिफ्ट करेगा एंड नेक्स्ट वन इज द इंटेलेक्चुअलाइजेशन वॉट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअलाइजेशन इसका मीनिंग क्या होगा कोई बता सकता है फटाफट बताइएगा वॉट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअलाइजेशन बेटा टेस्ट के आंसर उससे ही मिलेंगे ठीक है टेस्ट जो भी आप देंगे उसके आंसर वहीं पर आपको मिलने वाले हैं एप्लीकेशन को आप कुछ भी चलाइए उसका कोई पैसा नहीं लगेगा अलग से आपने टेस्ट सीरीज ले लिए तो और ना वो खराब होगी

एक पूरा लेटर लिखा होता है जिसके अंदर हो सकता है कि अपन एग्जाम्पल की बात करें कि उसकी एक फ्योन्सी थी जिससे उसकी शादी होने वाली थी और उस फियोन्सी ने क्या किया पूरा लेटर लिख के दिया है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ तो हो सकता है आप समझ सकते हो उस पर्सन के सामने इस टाइम पर कौन सी एक खतरनाक वाली इमोशनल स्टेट रही होगी लेकिन जैसे ही उसके दोस्त उससे डिस्कशन करते हैं कि क्या हुआ तो अपने रियल इमोशंस को एक्सप्रेस ना करके किसी दूसरे रीजन का क्या कर सकता है उनको एक्सप्लेनेशन कर सकता है कि यार हो सकता है कि कोई मजबूरी रही होगी इसलिए मना किया है यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है पर क्या कर रहा बेटा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है यानी अपन ये कह सकते हैं अवॉइड इमोशनल स्टेट्स हम एट प्रेजेंट जो भी इमोशनल स्टेट है ना उसको अवॉइड कर रहे हैं ठीक है उसको एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते क्लियर है जो भी एक्चुअल या फिर जो भी एट प्रेजेंट इमोशन है उसको अवॉइड करें रीजन क्या होते देखिए आप एक चीज समझिएगा जितने भी आप डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना वो सारे डिफेंस मैकेनिज्म हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें एंजाइटी नहीं हो अगर आप मान लीजिएगा आप क्लास के अंदर चोरी करते हुए पकड़े गए क्लास के अंदर एग्जाम हॉल के अंदर आप चिटिंग करते हुए पकड़े गए तो होगा क्या वहां पर एग्जामिनर आपको बोलेगा कि आपने की है फिर उससे क्या होगा सर आपको डांट लगेगी आपको एंगजाइटी होगी आपको चिंता होगी तो उन सब चीजों से बचने के लिए जहां पर हमें एंगजाइटी होती है हम यूज करते हैं डिफेंस वगैरह सेम कंडीशन में क्या होता है पर्सन अपने एक्चुअल इमोशंस को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता और उस इमोशनल स्टेट को अवॉइड करने की कोशिश करता है दैट इज नोन एज द इंटेलेक्चुअलाइजेशन ठीक है बात समझ में गई सभी को

सर प्रिय क्लेमस में हमें पता है कि पेशेंट को क्या था सर हाइपर टेंशन था ठीक है पेशेंट को क्या था सर एडिमा था पेशेंट को क्या था सर प्रोटीन यूरिया था ठीक है यही तीन स्टेटमेंट थे एक तो था आपका हाइपर टेंशन दूसरा एडिमा तीसरा प्रोटीन यूरिया अगर इसके साथ साथ एडिशनली अगर पेशेंट को मान लीजिएगा क्या हो चुका है बेटा एडिशनल क्या हो चुका है सीजर्स अगर पेशेंट को आ रहे हैं दैट इज नोन एज

अगर सीजर पेशेंट में आने वाले हैं तो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी क्या होगी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी अगर कोई पेशेंट प्री एक्म्स से एक्लेम्सिया के अंदर कन्वर्ट हो रहा है द पेशेंट प्रोग्रेस फ्रॉम प्री एक्म्सर टू एक्म्सिया तो फर्स्ट यू शुड डू मेंटेन ए पैटेंट एयर आपको सबसे पहला एक्शन क्या करना है सर हमें सबसे पहला एक्शन करना है देन मेंटेन पैटेंट एयर यानी एक क्लियर एयर जो है वो आपको मेंटेन करना होगा देन उसके बाद में आप क्या करेंगे सर पेशेंट के लिए एमजीओसो फोर आप एडमिस्टर करेंगे क्या करेंगे एमजीओसो फोर दैट इज एन ए ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज एन ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्पसिया ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी एमजी फोर सबसे पहले हमारा काम क्या होगा सर मेंटेन पेटेंट एयरवे इज दैट क्लियर तो ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा सर राइट right आंसर होगा क्योंकि देखिए प्री एक्म्स में क्या होता है सर वैन द ब्लड प्रेशर इज मोर देन वन फोर्टी बाई नाइनटी एम एम ऑफ एच जी दैट इज नोन एज

नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यूबोर्न हैज बीन डायग्नोज विदिस हाइपोस्पीडियसिस ठीक है वेन डिस्कसिंग द डिफेक्ट विदरेंट पेरेंट्स के साथ में इस डिफेक्ट को डिस्कस किया गया कि आपको जो भी बेबी हुआ है उसको हाइपोस्पेडिस द नर्स शुड कम्युनिकेट दैट अब नर्स क्या करेगी सर कम्युनिकेट करेगी क्या पहला है सरकम सीजन कैन बी परफॉर्म एट एनी टाइम यानी इस पेशेंट के लिए अपन सरकम सीजन करवा सकते हैं कभी भी दूसरा है सर इनिशियल रिपेयर इज डिले अंटिल सिक्स टू ईयर ऑफ एज यानी शुरुआती जो दौर है उसको हमें डिले करना पड़ेगा जब तक कि बच्चा आपका छह से आठ साल का नहीं हो जाए नेक्स्ट वन है पोस्ट ऑपरेटिव अपेरेंस विल बी नॉर्मल यानी जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी हमें बेबी क्या लग रहा है सर नॉर्मल लग रहा है लास्ट वन सर्जरी विल बी परफॉर्म इन स्टेजेस विच वन इज द राइट आंसर विच वन इज द राइट आंसर आंसर पुट कीजिएगा अगर देखिएगा पर समझिए हाइपोस्पेडिस सभी को पता होता है क्या होता है सर जी सर समझिएगा अगर मान लीजिए कि यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है किसकी बात करें बेटा तो यूरेथल ओपनिंग कहां पर देखने को मिलेगी आपको

सर्जरी रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो सर्जरी आपको कब करनी हो सर्जरी विल बी परफॉर्म इन स्टेजेस यहां पर समझेगा, समझेगा? मीनिंग क्या होगा इट मीन सर्जरी देखिएगा सबसे पहले इन्फेंट एज में आपको क्या करनी है कंप्लीट करनी है यानी सर हम इन्फेंट एज के अंदर सर्जरी करेंगे इन्फेंट एज के अंदर भी यहां पर फिक्स नहीं होता है यानी पूरी सर ट्वेल्व मंथ की एज होगी उसमें आप कभी भी सर्जरी कर सकते हैं अब डिपेंड करेगा कि सर सर्जरी कब करेंगे एज सून एज पॉसिबल एज सून एज पॉसिबल व्हेन इन्फेंट कैन टॉलरेट वेन इन्फेंट कैन टॉलरेट सर्जिकल प्रोसीजर जब सर इन्फेंट सर्जिकल प्रोसेस को टॉलरेट कर जाए तभी आप क्या कर सकते हैं इसके लिए सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है तो इन्फेंट स्टेज के अंदर अपन क्या करेंगे इस पेशेंट के लिए सर्जरी परफॉर्म करेंगे डिले नहीं करनी है आपको सिक्स टू एट ईयर भी नहीं करनी है ठीक है ना ही इसमें सरकम सीजन करेंगे क्योंकि सरकम सीजन की अगर बात कर सरकम सीजन हाइपोस्पीडियस के अंदर नहीं करते हैं बात समझ में आ गई नेक्स्ट वन पोस्ट ऑपरेटिव विल बी नॉर्मल सर नॉर्मल नहीं था यहां पर आपको क्लियरली दिया हुआ है हाइपोस्पीडियस दिया हुआ है क्लियर जब आपका इन्फेंट एज सुन एज पॉसिबल सर्जरी को टॉलरेट कर सकता है तभी आपको सर्जिकल करेक्शन परफॉर्म करना है ठीक है इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट अगले सवाल की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ए टू ईयर ओल्ड टॉडलर इज हॉस्पिटलाइज विदिग्लोटाइटिस देखिए दो साल का एक बच्चा है

कि सर इस पेशेंट को क्या हो रहा है ए प्रोडक्टिव कफ आपको देखने को मिलेगा दूसरा सर एक्सपेरेटरी स्ट्राइडर मिलेगी तीसरा सर ड्रोलिंग मिलेगी या फिर लास्ट क्रैकल इन द लोअर लॉब विच वन इज द राइट आंसर विच वन इज द राइट आंसर एपिग्लोटाइटिस वाले सिचुएशन के अंदर आपको कौन सा सिम्टम इस नर्स को आइडेंटिफाई होगा जल्दी से आंसर पुट करें विच वन इज द राइट आंसर राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट देखिए समझिएगा की बात करें। सर इट इज एन ए बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ ग्रुप इट इज एन ए बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ ग्रुप बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ ग्रुप और अगर नेक्स्ट बात कर सर मोस्ट कॉमनली तो किस में देखने मिलेगा सर मोस्ट कॉमनली सीन बिटवीन टू टू एट ईयर ऑफ एज दो से आठ साल तक के जो बच्चे हैं वहां पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा इंपैक्ट है अब देखिए सिम्टम्स के ऊपर आ जाइए अगर मैं बात करता हूं सर साइन एंड सिम्टम्स की तो सबसे पहले देखिएगा नॉन प्रोडक्टिव कफ आपको मिलता है कैसा मिलता है बेटा नॉन प्रोडक्टिव कफ आपको देखने को मिलेगा क्लियर हुआ नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात यानी पहला ऑप्शन आपके सामने रॉन्ग होगा एक्सपायरेटरी स्पाइडर लेस यानी बहुत रेयर आपको देखने को मिलते मोस्ट कॉमनली क्या होता है सर इंस्पायरेटरी स्पाइडर आपको मिलेंगे क्या मिलेंगे बेटा इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर आपको देखने को मिलने वाले हैं इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर आपको क्या मिलेंगे देखने को मिलेंगे मोस्ट कॉमनली और अगर ये भी सर ज्यादा कब देखने मिलते हैं मोर विथ सुपाइन पोजिशन किसके साथ बेटा मोर विथ सुपाइन पोजिशन जब बेबी को आपने सुपाइन पोजिशन में लिटा दिया है तब आपको इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे क्लियर है नेक्स्ट वन ड्रूलिंग सर ड्रूलिंग देखने को मिलेगी डेफिनेटली क्यों क्योंकि सर एपिग्लोटाइटिस की अगर बात कर रहे हैं तो इट मीन्स वो क्या है सर आपके सर आपके जो थ्रॉट है उसको क्या करेगा सर ब्लॉक करेगा आपके एयरवे को ब्लॉक करेगा ठीक है और बेबी जो है तो बेबी कैन नॉट स्वेलो बेबी कुछ भी चीजें निगल नहीं पाएगा यानी उसको निगलने के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो इजीली क्या होगा सर उसकी जो सैलाइबा है, तो है।, है तो अपर ट्रैक्ट ऑफ एयर भी क्या है इंपैक्ट है तो लोअर लोब के किसी प्रकार का कोई भी इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा साथ ही साथ अगर देखिएगा पेशेंट जो है एक सबसे इंपोर्टेंट चीज तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा सर ड्रोलिंग इज मोस्ट कॉमन ये आपको मोस्ट कॉमनली देखने मिलेगा ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे क्या हो रहा है बेटा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ठीक है अगर की अपन बात करते हैं वहीं से क्या मिलेगा आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा तो ड्रोलिंग आपको देखने मिलेगी साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एक ऐसा बच्चा जिसको एपिग्लोटाइटिस है ठीक है यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखने वाली है क्या नेवर अटेम्प्ट टू सी नेवर

ऑरल कल्चर ये आप एक्शन ना करें एपिग्लोटाइटिस वाले बच्चे के लिए पोस्टर फेरिंग को देखने की कोशिश ना करें ओरल टेम्परेचर ना लें और किसी प्रकार का ओरल कल्चर आप कलेक्ट ना करें रीजन इज दैट क्योंकि दैट में कॉज ये क्या कर सकते बेटा दैट में कॉज सीवियर स्पाइज ठीक है क्या करेगा बेटा सीवियर स्पाइज कोज करेगा और सीवर करके क्या करेगा सर कंप्लीट ब्लॉक कर सकता है किसको कंप्लीट ब्लॉक ऑफ एयरवे कंप्लीट ब्लॉक ऑफ एयरवे ठीक है तो ये चीज ध्यान रखिएगा इसको क्वेश्चन बना के दे सकता है कि कभी भी आप ऐसे पेशेंट के अंदर किसी प्रकार का कोई ओरल टेम्परेचर कोशिश ना, ना करें पोस्टर फेरिंग्स को विजुलाइज करने की कोशिश ना करें अदर देन क्या होगा सर एपिगलोटिस ब्लॉक हो जाएगा ड्यू टू दीविर स्पाज में ठीक है इसी के अलावा टेकि होगा टेकिट होगा डिस होगा ठीक है दीज आर द कॉमन सिम्टम्स बात समझ में आ गई जैसे अगर मान लिया आप ओरल कैविटी को ज्यादा ओपन करेंगे दैट में कोज दीवर के अंदर और वो कंडीशन क्या करेगी आपके एयरवे को कंप्लीटली ब्लॉक कर देगी इसके कारण बेबी क्या नहीं कर पाएगा रेस्परेशन नहीं कर पाएगा इजिली क्लियर चलिए अगला सवाल देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा जल्दी से

तीसरा मोलर प्रेगनेंसी और चौथा है वन वन राइट राइट आंसर आंसर देखिए स्किल का अभी क्लियर नहीं है बेटा जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि बेटा सर स्किल टेस्ट आएगा क्या नोट सिक्स के लिए तो उसके लिए आप अभी ज्यादा ना सोचें देखिए अगर स्किल टेस्ट आ भी जाएगा मैं एक जनरल क्योंकि मेरे पास भी पिछले पंद्रह बीस दिन से या एक महीना हो गया आई थिंक इस चीज को घूमते हुए कि सर स्किल टेस्ट होगा क्या स्किल टेस्ट होगा क्या पहले प्री होगा फिर मेन होगा फिर स्किल टेस्ट होगा तो सर क्या करें उसके लिए तो अभी आप उसके लिए निश्चिंत रहें ठीक है अभी हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कवर करेंगे पहले अगर आपके सामने प्री का एग्जाम है तो एटलीस्ट आप प्री के लिए अच्छे से तैयारी करें प्री और मेंस के लिए यानी वो तैयारी आपकी मेंस की भी होगी और थो, थोड़ी बहुत चीज़ें हम स्किल्स की भी सीखेंगे तो यहाँ पर समझिएगा पहले प्री को क्लियर करेंगे देन उसके बाद हैं मेन्स को क्लियर करेंगे अगर स्किल टेस्ट होता है तो आपको उसके लिए बेशक आपको चाहे दस पंद्रह दिन का टाइम मिले डेफिनेटली मिलेगा और वो आपके लिए सफिशियंट होगा जब आप पूरी थ्योरी को अच्छे से कवर किए होंगे साथ ही साथ अपन के लिए शुरू करेंगे और अगर मान लीजिएगा तो काम नहीं आने वाली है ना तो पढ़ना आपको लास्ट में यही है जो अपन प्री और मैथ्स के लिए करेंगे स्किल के लिए बाद में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करें आप चलिए राइट आंसर पुट करें बी एंड डी दोनों ही

थोड़ी सी समझ का फर्क है केवल डेफिनेशन का फर्क है श्योर बी एक बार फटाफट क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए कंजूसी ना करें कोई बच्चे वेरी गुड कुछ बच्चे बी और डी में उलझे हुए हैं। देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं मल्टीपल प्रेगनेंसी सर ये तो ऑलवेज एक रिस्क फैक्टर कोज करेगा अगर एक बेबी है ठीक है मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब समझ रहे हो ट्विन प्रेगनेंसी की बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी या मल्टीफीटल प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रेगनेंसी या मल्टीफीटल प्रेगनेंसी दे ऑल आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर तो सर ये तो एक हाई रिस्क फैक्टर होगा क्लियर है सभी को फैमिलियल हिस्ट्री की बात करता हूँ अगर मान लीजिएगा फैमिली हिस्ट्री की अगर बात करते हैं पहले भी अगर मान लीजिए उनको क्या हुआ है किसी प्रकार की कोई की हुई है तो हमेशा ही होगी क्योंकि इसमें तो एसिजी जो है वो मोर देन वन लैख इंटरनेशनल पर लीटर से ज्यादा चला जाता है तीनों के तीनों फैक्टर क्या करते हैं सर कोज करते हैं बट एक जो सबसे लास्ट ऑप्शन दिया गया दैट इज मल्टी ग्रेविडा वुमेन इसका मीनिंग आपने नहीं समझा अच्छे से रीजन समझेगा देखिए ग्रेविड अगर बात करते हैं सर ग्रेविड के बारे में या ग्रेविडा के बारे में ठीक है तो आपने पढ़ा होगा सर प्राइमी ग्रेविडा आपने पढ़ा होगा मल्टी ग्रेविडा ठीक है नेक्स्ट पढ़ा होगा आपने ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा क्या पढ़ा होगा ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा तो प्राइमी ग्रेविडा का मतलब क्या होगा

एंड मोर टाइम फोर एंड मोर टाइम प्रेगनेंसी कंसीव नंबर ऑफ प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं ठीक है यहां पर मल्टीपल की बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे माली एक फीमेल है, जिसको एक हो चुका है दूसरी बार वो प्रेग्नेंट है ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे दैट आर नॉन एस मल्टीग्रेविडा फीमेल तो उसमें रिस्क फैक्टर नहीं आएगा ठीक है उसकी तुलना में किसको रिस्पेक्ट आएगा यादव फैमिली हिस्ट्री की बात कर सकते हैं या फिर हम बात कर सकते हैं मल्टी फीटल प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी की या फिर बात कर सकते हैं मोलर प्रेगनेंसी की मल्टी ग्रेविडा का डायरेक्टली कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होता है हाइपर हाइपर ग्रेविडरम ग्रेविडरम का इज दैट क्लियर नेक्स्ट होने की अगर पॉसिबिलिटी की बात करता हूं ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ एस सीजी ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ एस सीजी इस डायरेक्टली अगर आपका एससीजी बढ़ेगा ह्यूमन कॉरिकोरेपिन का लेवल अगर बढ़ेगा दैट मे कॉज द हाइपर दाइपर ग्रेविडरम क्योंकि एससीजी क्या करता है ऐसी चीज आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता किसको स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करेगा और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करेगा तो उसके कारण क्या होगा आपका कार्डिक स्प्रिंटर भी लूज होगा क्या होगा बेटा कार्डिक स्प्रिंटर भी क्या होने वाला है लूज होने वाला है साथ ही साथ वो क्या हो करेगा सर वॉमिटिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग कोज करेगा क्या करेगा नोजिया एंड वॉमिटिंग और अर्ली इन द मॉर्निंग अगर मान लीजिएगा

जबकि मल्टी क्रेडर के अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ठीक है पेडिग्री वाली क्लास नहीं मिल रही बेटा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी गई है वो क्लासे जो भी आपकी थ्योरी क्लासेस थी कुछ इंपोर्टेंट जो क्लासेस थी उनको सिक्योर करके यूट्यूब सेट आके उनको एप्लीकेशन में डाल दिया गया तो एप्लीकेशन से आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज कोई पैसा नहीं लगेगा उसका ना चलिए आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इन गिवन ऑप्शन नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट टिफाई फोल्स स्टेटमेंट इन गिवन ऑप्शन सबका पढ़ा हुआ है ठीक है सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई है यह ऐसा ही होता है हमारे पास में कि सर हम कई बार पढ़ते हैं लेकिन हमने समझा हुआ नहीं होता है ठीक है और क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपके सामने है जल्दी से देखिएगा आपको केवल फोल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है आइडेंटिफाई फोल्स स्टेटमेंट पहला है लिगामेंटम टेरिज इज एन रेमनेंट ऑफ अम्ब्लाइकलबीन दूसरा ऑप्शन मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट इज एन ए नेक्स्ट ऑफ मेडियन अम्बलाइकल लिगामेंट इज एन ए ऑफ अम्बलाइकल आर्टरी नेक्स्ट वन लिगामेंट ऑफ विनोसम इज एन ए ऑफ द डक्टस विनोसम बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है काफी बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है जल्दी से सारे बच्चे जवाब देंगे इस क्वेश्चन का Which वन इज एन फॉल्स स्टेटमेंट और यह भी है कि इस क्वेश्चन का केवल सही जवाब देने वाले पांच परसेंट बच्चे होंगे नमस्कार मैं ठीक हूं बेटा क्लास कंटिन्यू की इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लेके स्टार्ट किया ताकि रिकवर हो सकूं मैं। डेली होगी आपकी तीन सवा तीन बजे ठीक है यूरिकस बहुत बढ़िया ठीक है, है? चलिए यहां पर बात करते हैं थोड़ा फोकस करेगा क्योंकि आपके सामने एक नया वर्ड आया होगा दैट इज यूरिकस आई थिंक कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ रखा होगा कुछ नहीं पढ़ रखा होगा वॉट इज द मीनिंग ऑफ यूरिकस चलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी वाई सर ऐसा क्यों हमने तो पढ़ा है सर मीडियन एमलाइकल लिगामेंट ठीक है दैट इज अ रेमनेंट ऑफ अमलाइकल आर्ट्री इसमें भी यही लिखा हुआ मीडियमल लिगामेंट इज एन ए रेमनेंट ऑफ अमलाइकल आर्ट्री बट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है कई बार एग्जामिनर ऐसे सवाल दे देता है जिन्हें अपन बहुत स्पीड से पढ़ रहे होते हैं बट हमें एक्चुअली पता नहीं होता है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और कहाँ गलती करवाएगा देखिए फर्स्ट वन ऑप्शन की बात करें लिगामेंटम टीज इन ए रेमनेंट ऑफ Vein, that is true. ये true है ना? सभी को बतायाकस दैट इज ऑलसो ट्रू वॉट इज द मीनिंग ऑफ यूरेकस सर यूरेकस की अगर बात करते चैनल इन बिटवीन द ब्लेडर एंड अमलाइकल कोड ठीक है समझेगा एक चैनल इन बिटवीन द ब्लेडर एंड अम्लाइकल कोड अम्लाइकल कोड और ब्लेडर के बीच का एक चैनल है ठीक है इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करता हूं तो वहां से जो ब्लेडर से यूरिन ड्रेन होता है डायरेक्टली उसके अंदर आपके कोड के अंदर ड्रेन होता है इसीलिए अपन ये कहते हैं कि जब बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होगा सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो आपका इम्यूनिटिक फ्लू होता है वो मेटरनल ट्रांसजुडेशन से बनता है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मेटरनल प्लाज्मा के द्वारा बनता है उसके बाद में क्या होगा सर आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर फिर जो फीटस का यूरिन है वो उसका फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है फीटल की स्किन भी बनाना शुरू करती है उसके बाद में ट्वेंटी वीक की बात करते हैं तो ट्वेंटी के बाद में प्रॉपरली यूरिन से ही बनेगा मेन नेक्स्ट बेटा वॉल्यूम इतना ही है टेक्निकल टीम की तरफ से नहीं हो पाएगा माफ करना नेक्स्ट देखिएगा मीडियन लिगामेंट इज रेमिनेंट ऑफ अम्बलाइकल आर्टरी दैट इज फॉल्स एंड लास्ट वन यू ऑल नो दैट इज लिगामेंटम विनोसम इज इज अ रेमिनेंट ऑफ डक्टस विनोसस दैट ऑल्सो ट्रू देखिए तो सर अमलाइकल आर्टरी का क्या होगा तो इधर देख लीजिएगा आर्टरी की अगर मैं बात करता हूं तो अम्बलाइकल आर्टरी के लिए जो रेमिनेंट आपका होने वाला है वो क्या रहेगा दैट इज मीडियल अम्बलाइकल मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट ट्रिक्स याद रखिएगा दैट इज आर्ट्री मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट ठीक है दैट इज मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट नॉट द मीडियन मीडियन इज फॉर द यूरेकस एंड मीडियल इज फॉर द अम्बलाइकल आर्टरी Star लगा के लिख लीजिएगा और जहां पर आपने नोट्स में कहीं लिख रखा हो तो उसको भी सही कर लीजिएगा दैट इज एन ए मीडियल ठीक है नॉट द मीडियन यही छोटा सा एक डिफरेंस जो है क्वेश्चन तो को गलत करवा सकता है बात समझ में आ गई क्लियर क्लियर हुआ नहीं हुआ आगे चले चलिए नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा ये छोटी सी गलती की बार एग्जाम के अंदर बंद कर देते हैं सो व्हाट डस ए नर्स एक्सपेक्टेड टू बी द प्रायोरिटी कंसर्न ऑफ अ 28 ईयर ओल्ड वुमन हु इज टू अंडरगो ए लैप्रोस्कोपिक बायलैटरल सेल्फिंगो ऑफ्रेक्टोमी देखिए सब बर्बाद नहीं किया ये आपने गलत स्टेटमेंट डाल दिया एक लेटर ने हमें कुछ सिखा दिया है ना

फीमेल conceive, कंसीव conceive नहीं कर पाएगी एंड दॉस एबिलिटी टू कंसीव तो फीमेल को समझा देंगे कंसल्ट करेंगे क्योंकि आगे चलकर उसको अगर मानी दिमाग में ऐसा हो कि मुझे प्रेग्नेसी कंसीव करनी है तो उसको पहले ही क्लियर कर देंगे कि हाँ अब आप कभी भी प्रेग्नेंसी को कंसीव नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेगा अगले सवाल की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोविंग कंडीशन इज कॉमन इन प्रेगनेंट वुमेन इन द सेकेंड ट्राइम स्ट्रो प्रेगनेंसी मेस्टाइटिस मेटाबोलिक एल्कलोसिस फिजियोलॉजिकल एनीमिया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कौन सी कंडीशन सेकंड ट्राइमिस्टर प्रेगनेंसी के अंदर कॉमन फिनोमिनो की तरह देखने को मिलेगी जल्दी से आएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहला ऑप्शन हमारे पास में है मेस्टाइटिस दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है मेटाबॉलिक एलक्लोसिस तीसरा हमारे पास है फिजियोलॉजिकल एनीमिया एंड लास्ट में हमारे पास में क्या है सर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस व्हिच वन इज द राइट आंसर

ब्लड 30 टू 40 इंक्रीज होगा यहीं अगर बात करते हैं आरबीसी की तो लगभग टू 30 इंक्रीज होगी तो इन रिलेशन आरबीसी प्लाज्मा वॉल्यूम इज प्लाज्मा हमें देखने को मिलेगा हीमोडायल्यूशन और हीमोडल अगर होगा तो, तो इसलिए क्या होगा सर पेशेंट को सर यहां पर एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलने वाली है क्योंकि ब्लड डाइल्यूट हो गया ना कंसंट्रेशन कम हो गई है और साथ ही साथ हीमोडाइल्यूशन से क्या होगा सर ऑक्सीजन भी इजीली रिलीज हो जाएगी ऑक्सीजन रिलीज जो है वो क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा और आपके फीटस को भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई आपको मिलने वाली है तो इट इज एन ए नॉर्मल प्रोसेस ये आपकी नॉर्मल प्रोसेस होती है एनिमिया वाली सिचुएशन नेक्स्ट हम बात करते हैं सर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं होता क्या होता है बेटा एल्कलोसिस होता है क्या होता है एल्कलोसिस प्रेगनेंसी ए स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस उसका भी रीजन आपको पता होगा रीजन ये होता है कि इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सर प्रेगनेंसी से पहले की अगर बात करता हूं मैं और प्रेगनेंसी के बाद की बात करता है, पी ओ टू पहले क्या होता है एटी और प्रेगनेंसी के बाद में कितना होता है, 105 हो जाता है. कितना होता है बेटा द पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जस्ट आफ्टर द प्रेग्नेंसी इज अबाउट वन जीरो और यही अगर बात करते हैं सर पी टू के बारे में नॉर्मल कितना होता है सर थर्टी टू एम एम ऑफ एच जी क्या हुआ थर्टी टू एम एम ऑफ एच जी और रिलेशन हमने क्या पढ़ा है सर हमने एक रिलेशन पढ़ा है सिंपल सा पीएच के रिगार्डिंग हमने एक रिलेशन पढ़ा है पीएच प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन सी टू पीएच क्या होता है हमेशा सी टू के जस्ट अगेंस्ट काम करता है तो सर हमने देखा है कि नॉर्मली थर्टी फाइव होता है 35 से कम इंडिकेटर हो 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 होता है तो इट मीन द इज स्टेट ऑफ रेस्पिरेट्री एल्लॉसिस प्रेगनेंसी क्या हो गई रेस्पिरेटरी की स्टेट भी होती है क्लियर कोई डाउट है हा ऑक्सीजन ज्यादा होता है इसलिए पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है लेकिन और देखिए यहां पर अगर पीएच की बात करते तो ऑक्सीजन के रिलेशन को अपन साइड में रखते हैं क्योंकि पीएच में कभी भी आपका डायरेक्टली ऑक्सीजन का रोल नहीं होता है पीएच भी आप देखेंगे दो पैरामीटर देखेंगे एक आप देखेंगे सीयू टू का दूसरा आप देखेंगे बाई कार्बेट यानी एस सी थ्री का देखेंगे क्लियर चलिए आगे चले ड्यू टू द मोर ऑक्सीजन यहां पर ध्यान दीजिएगा जब पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया डीप रेस्परेशन करेगा पेशेंट क्या करेगा सर डीप रेस्परेशन करेगा टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगी हाँ इनडायरेक्टली बढ़ रहा है देखिए डायरेक्टली नहीं इंपैक्ट पड़ रहा है इनडायरेक्टली आपकी पीएच चेंज हो रही है पीएच के लिए इनडायरेक्टली क्या काम करेगा ऑक्सीजन काम करेगा सीओ टू के कम होने के लिए ऑक्सीजन डायरेक्टली काम करेगा क्योंकि जैसे ही पेशेंट क्या करेगा सर डीप रेस्परेशन करेगा यानी आपकी जो टाइडल वॉल्यूम है वो लगभग साढ़े छह सौ सात सौ एम एल तक पहुंच जाती है तो उस कारण क्या होगा सर वेंटिलेटेड होगा पेशेंट ज्यादा और CO2 बॉडी से बाहर निकलेगी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो CO2 का ज्यादा एक्सपिरेशन होगा और CO2 अगर बाहर निकलेगी ज्यादा तो क्या होगा सर पेशेंट के अंदर तो CO2 का लेवल डिक्रीज होता चला जाएगा एंड दैट में इंक्रीज द पीएच ऑफ ब्लड ये पीएच को क्या करेगा सर बढ़ा देगा ठीक है बात समझ में आ गई सभी को कोई डाउट चलिए तो ये आज के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे इस क्लास को यही फिनिश करते हैं नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो कल तीन बजे होगी ये आपके लिए शेड्यूल है इसको ध्यान रख लीजिएगा जो भी बच्चे टेस्ट ज्वाइन करें इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप टेस्ट की प्रिपेयर आपको करना है ठीक है कल आपका न्यूरो का टेस्ट हो गया था आज आपका कोई टेस्ट नहीं है और कल आपका फिर से फंडामेंटल का टेस्ट होने वाला है ध्यान रखें ये जो जो भी आपके टेस्ट होंगे वो डे बाय डे आपको शेड्यूल दिया जा रहा है इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग होंगे यानी फिर आपका नेक्स्ट जो टेस्ट होगा अब वो आपका टेस्ट है फंडामेंटल उसके कार्डियो और फिर ट्वेंटी टू को क्या होगा सर सब तीनों सब्जेक्ट एक साथ न्यूरो फंडामेंटल और कार्डियो तीनों का टेस्ट होने वाला है तीनों का टेस्ट क्या रहेगा एक साथ होगा यानी अपन पहले एक एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे फिर तीन सब्जेक्ट को एक साथ कवर करेंगे ठीक है इसी प्रकार से आपके सारी सब्जेक्ट की कवर अप चलती रहेगी जैसे यहां पर आते आते, आते आपकी कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगी उसके बाद में कंटिन्यूसली आपके मेजर टेस्ट होंगे दस टेस्ट आपके मेजर होंगे जो आपके कंप्लीट होने वाले हैं नौ अप्रैल को फोर्टीन अप्रैल का एग्जाम आपका नो अप्रैल तक आपके कंटिन्यूसली फोर्टी टेस्ट होंगे साथ ही साथ आपके इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको एडोन किए गए हैं थर्टी फाइव प्लस इसमें रिसेंट आपकी जो एग्जाम हुई है ट्वेंटी थ्री के अंदर दोनों एग्जाम उसके पेपर भी आपको इंक्लूड किए जाएंगे तो सारे बच्चे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करें और रेगुलर प्रैक्टिस से अपन क्या कर सकते हैं चीजों को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं ठीक है चलिए कल हाँ कल क्लास होगी आपकी तीन सवा तीन जो भी आपकी क्लास का टाइम होगा वो देख लीजिएगा ठीक है कल से थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं टाइम है ना थैंक यू सो मच विश्वल द बेस्ट मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट ठीक तीन बजे धन्यवाद